यूनिक एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूं आरपीएफ की जो वैकेंसी का जो आज नोटिफिकेशन आउट हुआ था, जिसमें आपकी कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी दे रखी थी। इसमें जो एज लिमिट बताई गई थी वो 20 से एसआई के लिए 20 से 28 साल की थी, और आपका कांस्टेबल के लिए इसमें बता रखा था 18 से 28 साल। टोटल जो पोस्ट दे रखी थी इसमें 4660 पोस्ट थी, और जिनका जो ये फॉर्म फिलिंग डेट थी वो उसमें अप्रैल के लमसम में दे रखी थी। तो अभी क्या हुआ है, जो सरकारी रिजल्ट से इस विज्ञप्ति को जो ये नोटिफिकेशन था इसे हटा लिया गया है। तो अभी ये सुनने में आ रहा है कि जो ये विज्ञप्ति जारी हुई थी ये फेक बताई जा रही है। अभी इस पर ये से सभी जगह से हटा लिया गया है, और अभी आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि जो इसमें जो 3-3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया था वो दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अब इसमें बहुत सारी बातें देखने को मिलेंगी, आने वाला नोटिफिकेशन कब होगा और कब जारी होगा अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये जो सभी साइड से इसे हटा लिया गया है, तो हो सकता है इसका विज्ञापन जल्दी आप लोगों को देखने को मिले। इसमें ये सभी जोनों के यहाँ पर इन्होंने डिटेल वाइज दे रखा था, कोलकाता अजमेर ये सभी के बारे में दे रखा था, कितना फीस होगा और कितना नहीं होगा इसके बारे में सब दे रखा था। पर यहाँ पर इसमें देखो ये चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी ये सब इन्होंने सब दे रखा था। ये लग रहा है रियल ही है परंतु ये फेक है। तो जो आपका नया नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आपको सरकारीरिजल्ट.com और विज्ञप्ति के माध्यम से देखने को बहुत जल्द ही मिलेगा। हो सकता है उसमें एज में और रिलैक्सेशन दिया जाए, या हो सकता है उसमें एज रिलैक्सेशन दिया नहीं जाए। तो ये सब बातें आपके जब विज्ञप्ति आएगी उसी पर, उसी के आने पर सब बातों का डिटेल में पता चल पाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। थैंक यू, धन्यवाद।